good morning, or actually it's good afternoon. Hi, Alicia को भी मैं लेके आई हूँ स्कूल से और समोसे और ये क्या है इधर पड़ी हैं ये यम्मी सी मिर्चें मैं भी चाय का बना के और उसके साथ खाऊंगी. उससे पहले मैं इस मंकी को खाना खिला दूँ. मैंने रात में बनाए थे साबत मसर और साथ में ये सैलेड था और साथ में चावल, तो ये मैं अभी इसको अलीशा को खिलाने लगी हूँ. और जो ये थोड़ी बहुत सामान लेके आई हूँ और ये देखें, ये पाकिस्तान में मिलते बड़े शौक से हम पीते थे और ये मुझे नज़र आए शेज़ान के. दूसरे भी मैंने देखे थे लेकिन ये मैंगो वाले जो हैं ये अभी मुझे यहाँ पे नज़र आए तो मैंने फटाफट ले लिए. तो ये मैं लेके आई हूँ, पाकिस्तान की यादें ताज़ा हो जाती हैं चीज़ें देख के. और साथ में बटर चाहिए था, मुझे ख़त्म होने वाला था. अच्छा ये बटर बड़ा अच्छा है, मेरी मदर इन लॉ भी कहती हैं ये वाला बटर इस्तेमाल किया करो, इसके अंदर कुछ कमी हार्मफुल स्टफ़ है. आई डोंट नो, बट उन्होंने कहा था ये वाला इस्तेमाल किया करो तो मैं ये वाला लेती हूँ. और ये मैं लेके आई हूँ मूंग मसाला, मूंग दाल. और क्या लिया है मैंने, ये मैंने नूडल्स लिए बच्चों को और मुझे ख़ुद को भी पसंद है नूडल्स, ये मसाला नूडल्स मैगी के. और क्या लिया मैंने, अच्छा और ये मैंने लिया है ये जो पाकिस्तानी प्याज होते हैं ये वो वाले लिए हैं, यहाँ पे जो मिलते हैं अजीब ही हैं, पाकिस्तान की चीज़ें अच्छी हैं. टमाटर लिए हैं, पपीता लिया है और समोसे लिए हैं. अभी अलीशू को खाना खिला लूँ और अपना थोड़ा सा किचन, इतना कोई गंदा तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस चीज़ें उठाने वाली हैं. और मैं अलीशा को खाना खिला के फिर मैं थोड़ा सा किचन सही करूँ. और आज मुझे ऊपर की बड़ी सफाई करनी है, या तो मैं ऊपर की सफाई करूँगी या आज मैं बैठ के आराम करूँगी कि आई एम फीलिंग सो टायर्ड. चले मैं आप लोगों को बाद में कैचअप करती हूँ आप लोगों के साथ. तो एक चीज़ मुझे अभी याद आई कि मुझसे किसी ने पूछा था कि लाइक आप इस तरह एक्टिव रहती हैं तो आप क्या इस्तेमाल करती हैं. तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्या पता किसी को इससे फ़ायदा हो. यूजुअली जो पाकिस्तान में स्पेशली हम लोग जो औरतें हैं वो हम अपना इतना सही से ख्याल नहीं रखते, लाइक बच्चों के लिए और फैमिली के लिए ज़्यादा टाइम निकालते रहते हैं, या जो थोड़ा बहुत टाइम बचे वो हम घर के लिए अपने घर के कामों में निकाल देते हैं. तो हम अपना इतना ख्याल नहीं रखते जो कि हमें रखना चाहिए. बहुत गलत बात है, अगर हम नहीं अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो हम कैसे अपनी फैमिली को, घर को, बच्चों को, सबको संभालेंगे. तो ये जो चीज़ें ये मैंने अभी रिसेंटली लेना स्टार्ट की हैं, विटामिन सी और जिंक जो है ये मैं ले रही हूँ पानी में डाल के. और ये जो है बड़ा अच्छा है जी, इससे ऑब्वियसली विटामिन सी का सबको पता है इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, स्पेशली ये कोरोना वायरस का सुन के तो मैंने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए ये खुद भी इस्तेमाल करना शुरू किया है. और मैं अपने हस्बैंड को भी उनको भी कहा है कि वो भी यूज़ करें. और ये जो है मैं कंप्लीट मल्टी वाइटमिन्स ले रही हूँ, उसके अंदर 23 एसेंशियल वाइटमिन्स एंड मिनरल्स हैं. और ये भी एक मैं इसकी टैबलेट लेती हूँ, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं. और जो है मैंने अपने ब्लड टेस्ट करवाया था तो आयरन लेवल जो था मेरा थोड़ा सा कम आया था, लेकिन तो उसकी वजह से मैंने ये एक्टिव आयरन के नाम से है टैबलेट ये मैंने स्टार्ट किए लेना. एक टैबलेट मैं लेती हूँ दिन में और ये बहुत अच्छी है, आपके पेट के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करती. यूजुअली आयरन की टैबलेट लेने से जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, लेकिन ये वाली बहुत अच्छी है, ये इससे कुछ भी नहीं होता. और ये पाकिस्तान में तो आराम से मिलती है विटामिन ई की जो एवियन है, ये जो है ये मैं एक टैबलेट ले रही हूँ. तो ये सब जो है मैं विटामिन सी के पानी में डाल के और मैं ये तीनों जो टैबलेट्स हैं वो ले लेती हूँ. और बच्चों के लिए भी मैंने अभी रिसेंटली जो है ये बाय किए हैं मल्टी विटामिन्स, ताकि उनको भी ज़रूरत होती है. बच्चे भी इतना कोई ख़ास नहीं खाते जो उनका सारा कुछ पूरा हो. तो अलीशा ने जैसे ही देखा है कि मैं मल्टी विटामिन्स निकाली हैं भाग के आ गई है. तो ये जो है ये मैंने लिटिल मल्टी विटामिन्स ये वाली मैं बच्चों की यूज़ कर रही हूँ, ये मल्टी विटामिन्स हैं. और ये जो है इसका ये विटामिन सी है, ये भी बच्चों की, विटामिन सी ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, तो बच्चों के लिए विटामिन सी और मल्टी विटामिन्स दोनों मैं इस्तेमाल कर रही हूँ. सो होपफुली आप लोगों के लिए
थोड़ा सी मेडिसिन के बारे में हेल्पफुल हो. सो इट्स 4:00 राइट नाउ. अभी मैं बच्चों को लेके आई हूँ और मैंने सर पे तेल भी लगाया है. पता नहीं ये क्या हो गया है, मुझे अजीब सा ही सर के अंदर खुश्की इतनी हो रही है. लेकिन हालांकि मैंने कोई मेडिसिन भी, वो शैम्पू लिया था कोई, आई फॉरगॉट द नेम, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा. अमेलिया इज़ हियर, से हाय. हेलो अमेलिया, व्हाट डिड यू डू इन स्कूल? आई डिड लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी. We did ordering decimals in maths. Good. And in literacy, we're just planning out a narrative. Oh, very good. What are you doing, Alicia? Alicia, what are you doing? Alicia, what are you doing? Yeah. Oh my God. अभी जो है वो 5 क्या टाइम हो रहा है? 5:12 आई थिंक या 13. तो अभी अलीज़ा जो है वो कुरान पढ़ रही है और अमीलिया कुरान पढ़ चुकी है. मैंने अभी हारिस को छोड़ा है स्टेशन पे क्योंकि उन्हें काम के सिलसिले में कहीं जाना था. एंड हम घर जाने लगे हैं, मेरी मदर इन लॉ के घर, जहाँ पे जो है वो मेरे फादर इन लॉ पाकिस्तान से आ रहे हैं. और अमीलिया ने उनके लिए कार्ड बनाया है. यू वांट टू शो इट? यप. ओह, दैट्स नाइस, वेरी नाइस, गुड जॉब, वेल डन, आई लाइक योर राइटिंग. Good. और I was so lazy today, did not do anything. कोई भी cleaning की और मेरा room mess लग रहा है. I don't want to show. तो जब मैं इंशाल्लाह कल या फिर जब वापस आऊँगी तो इंशाल्लाह इसको सही करूँगी. आज मेरा बिल्कुल mood नहीं है. It's okay. एक दिन break लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अपने आप को तसल्ली देनी चाहिए. कोई बात नहीं, अगर एक दिन काम नहीं किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सब ह्यूमन बींग है, सब जो है वो सबके ऊपर टाइम आता है, हर कोई टायर्ड होता है. ज़रूरी नहीं कि आपका घर हर वक्त परफेक्ट कंडीशन में हो. सो अभी अलीज़ा कुरान पढ़ ले तो हम जाएंगे. ओके, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ. बाय. अस्सलामुअलैकुम. और कल मैंने व्लॉग ख़त्म ही नहीं किया था तो कंटिन्यू है आज. मैं अभी अलीशा को लेके आई हूँ और काम से वापस आई हूँ और अभी जो है वो 11:45 हो रहे हैं. तो आते ही मैंने, क्योंकि लास्ट वीक कोई कपड़ा नहीं धोया था, तो अब मैं जो है वो जल्दी से वॉशिंग के अंदर कपड़े डालने लगी हूँ ताकि जब तक मैं अलीशा को चेंज करूँगी और ख़ुद चेंज होंगी, एटलीस्ट ये कपड़े जो हैं वो धुल जाएं. और उसके बाद काफ़ी कुछ करने वाला है. किचन को कल मैंने कुछ नहीं छेड़ा था तो आज वो मैस बना हुआ है और सफाई जो है वो करने वाली है, ऊपर की सफाई करने वाली है. आई बीन रियली लेज़ी और I don't know, I was just giving break to myself. Nishu ki books giri hui idhar. Aur Alisha ye rahi. Idhar baithi hui hai. Hey Alisha. Say hi. Hi. So, main bhi washing machine mein kapde dalun aur uske baad मैं इंशाल्लाह आप लोगों से कैच अप करूँगी. बाय. ये वाला मैं लिक्विड लेके आई थी, एस का फॉर कलर्स. आई डोंट नो, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया. आई एम गोना ट्राई दिस वन आउट. और एक ये भी लेके आई थी मैं पाउंड शॉप से, बट इट वाज लाइक 2 pounds दोनों. और ये भी है एस्टोनिश का, है ऑक्सी एक्टिव प्लस स्टेन रिमूवर. बच्चों के साथ कपड़ों के ऊपर इतने निशान लगते हैं तो लेट्स ट्राई ये किस तरह का होता है. एंड आई विल लेट यू गाइज नो कि कपड़े साफ हुए भी हैं कि नहीं. आई एम जस्ट मेकिंग हेयर चिकन. और ये मैंने शेजान का चिकन इस्तेमाल किया है और ये ऑलरेडी मैरिनेट चिकन था. अगर आप चाहें तो देसी मसाला कोई भी इसको लगा के, अदरक, लहसुन, क्या कहते हैं, योगर्ट और लाल मिर्च, नमक मिर्च या टिक्का मसाला कुछ भी लगा के आप इसको रख सकते हैं. और मैं साथ में ही मैश पोटैटो बना रही हूँ. एक हाथ से मैश पोटैटो बनाना बड़ा मुश्किल है. और मैंने बस आलू बॉईल किए हैं अभी और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डालना है, बटर डालूँगी और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, नमक और ब्लैक पेपर डालूँगी और इसको अच्छे से मैश कर लूँगी. तो हाँ, दूध भी डाला है मैंने इसमें
दूध से जो है ज़रा क्रीमी हो जाता है, बच्चों को क्रीमी क्रीमी पसंद है। और ये मैं इनके साथ जो है गार्लिक ब्रेड भी बना रही हूँ। तो इसके ये जो पैक होता है इसके अंदर दो आती हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इनके लिए एक ही बनाऊँगी। देखती हूँ मैं, अगर मुझे दो की ज़रूरत हुई पूरी ना हुई तो फिर मैं दोनों बना लूँगी। इसके ऊपर पहले से ही वो बटर लगाया, बटर होता है लगा हुआ, और साथ में उसके गार्लिक डाला होता है, कुछ हर्ब्स होती हैं तो ऑलरेडी मेड होती है। अगर आप ना भी बनी बनाई लेना चाहें तो घर में भी इसको बना सकते हैं आराम से, ब्रेड के ऊपर ब्रेड ये ले के बेकरी से, और उसके ऊपर बटर के अंदर गार्लिक ऐड करके और साथ में हर्ब्स ऐड करके वो लगा के आप इसको थोड़ी देर के लिए ग्रिल कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी टेस्ट करती हैं, और स्पेशली बच्चे जो हैं वो उनको पसंद है, तो इस वजह से मैं बच्चों के लिए ऑब्वियसली बंदा एफर्ट करता है तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ। और साथ में जो है ये मैंने फ्रोज़न बीन का पैक था उसमें से आधा पैकेट जो है मैंने यूज़ किया, और ये मैं थोड़ी देर के लिए इनको जो है वो बीन्स को जो है वो बॉयल कर लूँगी, तो ये मैं साथ में बीन्स बना रही हूँ। गाइस मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करूँगी, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी। और मैं अभी बस बच्चों को खाना देने लगी हूँ, मैं आपको उससे पहले दिखा दूँ मैंने क्या बनाया है। तो खाने में जो है ये मैश पोटैटोज़ बनाए थे मैंने, और साथ में ये ग्रिल चिकन बनाया है, और ग्रेवी बनाई है, गार्लिक ब्रेड, बीन्स और ज़ुकीनी बनाया है, और ये है प्लेट। तो ये हम खाने लगे हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलूंगी। मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट करके बताएं, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।